इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे रायपुर की तरफ, जहां सीएम भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम भूपेश बघेल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आवाज आ रही है? शुरू करूं? मैं संवाददाता साथियों से निवेदन करूंगा कि यदि आवाज आ रही हो तो अपना अंगूठा उठा के थम्स अप चिन्ह के द्वारा आप लोग बताएं कि आपको आवाज मिल रही है। पूरा दे दो, कॉपी दे दो। मैं पुनः सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। चलिए सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम रायपुर से दिखा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल तैयार हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक प्रेस वार्ता रखी गई है तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब देने और अपनी बात रखने के लिए। सीएम भूपेश बघेल इस वक्त मीडिया के सामने आए हैं, हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़ रहे हैं। आज बीजेपी की जो वर्चुअल रैली हुई है उससे संबंधित कुछ बातों के जवाब सीएम इसमें दे सकते हैं। और सभी पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। करने दो। हो गया? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? एक तरफ वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं पूरे देश के लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में चिंतित है। भारत और चीन की सीमा में जो तनाव है, हमारे 20 जवान शहीद हो गए और इस मामले में लगातार राहुल गांधी जी सवाल कर रहे थे। उस समय केंद्रीय विदेश मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री का बयान आया कि भारत की सीमा में चीन के सैनिक न केवल घुस आए हैं बल्कि निर्माण कार्य किए हैं। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी इसका खंडन करते हैं कि चीन की सीमा में, भारत की सीमा में कोई चीनी सैनिक नहीं घुसा है, न ही भारत के जमीन पे एक इंच भी उनका कोई कब्जा है। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बयानों में भारी विरोधाभास है, लेकिन अभी उस पर चर्चा नहीं करके भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो सरकार है वो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम कर रही है। चीन की शत्रुता के संबंध में हाल के वर्षों में सभी को जानकारी है, चाहे वर्ष 2013 का हो जिसमें वाई जंक्शन तक डेपसांग मैदान में कब्जा हो, जहां से उन्हें कांग्रेस यूपीए सरकार के समय में हमारे नौजवानों ने संघर्ष करके वापस धकेल दिया था, चाहे वह 2014 में चुमर लद्दाख में .30 R पोस्ट में जब मोदी जी अहमदाबाद में चीनी राष्ट्रपति के साथ झूला कूटनीति खेल रहे थे चीनी कब्जा हो, या 2017 में डोकलाम पठार पर चीनी का कब्जा हो। लेकिन हर बार जब भी मोदी सरकार से हमारे क्षेत्र में चार अलग अलग स्थानों, गलवान घाटी,
पेंगोत्सो झील, हॉट स्प्रिंग्स, डेपसांग मैदानी इलाके में चीनी अतिक्रमण के संबंध में प्रश्न किया जाता है। भ्रमित मोदी सरकार और बीजेपी द्वारा असल मुद्दों से भटकाने व गलत सूचनाओं के संप्रेषण की नीति अपनाई है। बता दें, कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्रहित में सवाल पूछती है और पूछती रहेगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री चीन के लिए विशेष रूप से नरम रुख रखते हैं। यहाँ तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हमने उनकी चार चीनी यात्राओं में चीन के साथ निकटता देखी है। वह एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो 5 बार चीन का दौरा किए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा चिंताजनक और ख़तरनाक बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी को चीन कंपनियों से उनके पीएम केयर फंड में व्यक्तिगत रूप से दान प्राप्त हुए हैं। पीएम केयर फंड से संविधान या संचालन के ढांचे में को कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता पीएम केयर फंड को कैसे नियंत्रित किया जाता है या इसमें से दिए गए फंड का उपयोग कैसे किया जाता है। सीएजी सहित किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इस निधि का ऑडिट भी नहीं किया जाता है। पीएमओ ने यहाँ तक कह दिया है यह कोष एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। पीएम केयर फंड आरटीआई के अधीन भी नहीं है। कुल मिलाकर पीएम केयर फंड पूरी तरह से प्रधानमंत्री द्वारा अपारदर्शी और गोपनीय तरीके से शून्य पारदर्शिता और शून्य जवाबदेही के साथ संचालित है। रिपोर्ट बताती है 2020 तक प्रधानमंत्री को विवादास्पद कोष में 9678 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह है, यद्यपि चीनी सेनाओं ने हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री को चीनी प्राप्त हुआ फंड से पैसा प्राप्त हुआ। क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे, वर्ष 2013 में चीन की स्पष्ट शत्रुता के बावजूद पीएम मोदी ने फंड में चीनी धन क्यों प्राप्त किया है? क्या विवादास्पद कंपनी हुआई से पीएम को 7 करोड़ रुपया मिले हैं? क्या हुआई का पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चीन के साथ सीधा संबंध है? क्या चीन की कंपनी टिकटॉक ने विवादास्पद पीएम केयर फंड के लिए 30 करोड़ रुपये का डोनेशन उपलब्ध कराया है? क्या 38% चीनी स्वामित्व वाली पेटीएम ने विवादास्पद कोष में 100 करोड़ रुपये का दान दिया है? क्या चीनी कंपनी एमआई ने विवादास्पद कोष में 15 करोड़ रुपये दिए हैं? क्या चीनी कंपनी ओप्पो ने इस विवादास्पद कोष में 1 करोड़ रुपये का डोनेशन दिया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम एनआरएफ में प्राप्त दान को विवादास्पद पीएम केयर फंड में डाइवर्ट कर दिया है और कितने 100 करोड़ रुपया डाइवर्ट की गई है? यदि भारत के प्रधानमंत्री विवादास्पद और पारदर्शिता से रहित कोष में चीनी कंपनियों से सैकड़ों करोड़ रुपये के दान को स्वीकार करके अपनी स्थिति से समझौता करेंगे, तो वह चीन के अतिक्रमण से देश की रक्षा कैसे कर सकेंगे? प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना होगा। मैं साथियों से आग्रह करता हूं कि बारी बारी से प्रश्न पूछें, ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। मैं सबसे पहले कौशल स्वर्णवीर जी को आमंत्रित करूंगा, यदि आपके कोई प्रश्न है तो पूछें। नमस्कार। मुख्यमंत्री जी, अप्रैल 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी
एक सप्ताह का दौरा किया था जी, तकरीबन 6,800 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट विभिन्न चीनी कंपनियों से किए थे और उसपे तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके खुद की बीजेपी सरकार के कई मंत्री और कई बड़े अधिकारी भी गए वहाँ चीन के दौरे पर, लेकिन छत्तीसगढ़ को कोई किसी किस्म का कोई निवेश नहीं मिला। इस तरह की यात्राओं की उसमें चीनी अम्बेसडर की भूमिका थी, जांच क्यों नहीं करानी चाहिए? क्या आप ऐसे किसी तरह की जांच कराना चाहेंगे? देखिए, यही बात गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री 5 बार दौरा किए, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दौरा किया, लेकिन रिजल्ट क्या आया है ये पूरा प्रदेश जानता है कि एक भी पैसे के यहाँ निवेश नहीं हुआ है। और बार बार यहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण चीन की यात्रा किए हैं। और कोई प्रश्न? अभिषेक जी, हमारे जवान ऐसे स्थिति में उनके साथ कोई संबंध रखना मैं नहीं समझता उचित है, और इस मामले में भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। जी सर। जज कैसर जी, इंडियन। सर, भविष्य में चीनी निवेश को क्या हम अपने यहाँ आमंत्रित करेंगे या फिर हमारा कोई इंटरेस्ट रहेगा अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो? देखिए, जहां तक के वर्तमान स्थिति में चीन के साथ भारत सरकार के कैसे संबंध हैं, तो तत्काल परिस्थिति में जहां चीन हमलावर है, हिंदुस्तान के जमीन पे कब्जा कर लिया है, 20-20 जवानों के उन्होंने हत्या कर दी, शहादत हुए हमारे जवान, ऐसे स्थिति में उनके साथ कोई संबंध रखना मैं नहीं समझता उचित है, और इस मामले में भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। एजाज कैसर जी, इंडियन, न्यू इंडियन एक्सप्रेस। नमस्कार। चीन के साथ सीमा विवाद के बाद देश भर में जो चीनी सामानों का जो बहिष्कार था, ये अपील का दौर चला है, तो चीन के साथ जो भी भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं वो चीन के वैश्विक व्यापार का हिस्सा है। तो वर्तमान में अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य अगर हम इसको देखें तो ये क्या तार्किक है कि व्यापारिक जो साझेदारी खत्म करने की देखिए, एक तरफ कुछ संगठन है इस बहिष्कार के बारे में लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। यदि भारत सरकार चीनी सामान को हिंदुस्तान आने ही ना दे तो उपयोग कोई कैसे करेगा? ये जो बेवजह की जो राजनीति हो रही है वो बंद होना चाहिए। अब भारत सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आशीष शर्मा जी, पंजाब केसरी। हेलो, अनम्यूट करिए आशीष जी। आप जी, हेलो, हाँ बताएं। आ रही है आपकी आवाज, आ रही। अगला दिन मनोज बघेल जी, स्वराज्य एक्सप्रेस को मैं आमंत्रित करूंगा अगले प्रश्न के लिए। हेलो, आ रही आवाज मेरी? जी मनोज जी, आ रही आवाज जी? तो इस वक्त सीएम भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित कर रहे हैं, तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब वो एक एक करके दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश इस वक्त एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है
और चीन के मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है। उनका कहना है कि अगर चीन से संबंध बहुत भारत सरकार ने सख्त किए हैं या दूरी बना ली है, तो फिर उस चीज़ का जवाब दिया जाए कि पीएम केयर फंड में चीनी कंपनियों से क्यों पैसा लिया गया है और कितना पैसा लिया गया, क्यों लिया गया, उसका बहिष्कार क्यों नहीं किया गया। धर्मेंद्र जायसवाल इस वक्त हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी रायपुर से इस खबर पर जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ सीएम भूपेश बघेल ने कहा और केंद्र सरकार पर हमला बोला, उसे किस तरह से देखते हैं आप? ये देखिए, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दस्तावेजों के साथ ये आरोप लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन एजेंसी और चीन से मदद मिली है और इस कारण से जो गांधी परिवार है वो चीन का सपोर्ट कर रहा है। अब इसी में भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि पीएम केयर्स फंड में भी चीन से पैसा आया है, तब केंद्र सरकार ने चीन से मदद लेने से इनकार क्यों नहीं किया, पीएम केयर्स फंड को रिफ्यूज क्यों नहीं किया। उन्होंने इसको लेकर के सवाल उठाए हैं और ये पूछा है कि चीन से भारतीय जनता पार्टी का क्या रिश्ता है। वही सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कर रही थी। अब पलटवार का मौका मिला है कांग्रेस को, तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भूपेश बघेल ने उसमें ये सवाल उठाए हैं और उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने सरकार से, केंद्र सरकार से वो तमाम सवाल पूछे हैं जो अब तक भारतीय जनता पार्टी पूछती रही है। जी धर्मेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि अब कांग्रेस उस हमले का जवाब दे रही है बीजेपी का, जिसमें लगातार बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर ये आरोप लगा रही है कि उनके संबंध चाइना से बेहतर रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी एमपी बीजेपी ने पूर्व उद्योग मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलनाथ को निशाना बनाया हुआ है। आज तमाम मंडल स्तर पर उनके पुतले फूंके गए। अब उन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए आज सीएम भूपेश बघेल मीडिया के सामने हैं और एक एक कर वो तमाम पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और भारत सरकार और चीन के संबंधों को उजागर करते हुए उन्होंने कुछ तथ्य मीडिया के सामने रखे हैं। धर्मेंद्र जी, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिए, हम आपसे आगे के बुलेटिन में ज़रूर अपडेट लेंगे।